तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हमारा क्लास स्क्वाड कप टूर्नामेंट के बारे में। तो क्लास स्क्वाड कप टूर्नामेंट में आप लोग जो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और इसके अनुसार आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो गाइस सारा कुछ मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो सिर्फ गाइस आपको वीडियो को लास्ट से देखना है, कहीं पर गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई का छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और गाइस के पास जो बेल आइकन है जरूर उसको ऑल पे सेट कर दो, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्क्वाड कप टूर्नामेंट को ओपन करने में पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा ये साइट आरो के ऊपर। तो यहाँ पर गाइस आप देख पर लिखा गया ओवरव्यू, तो गाइस इसका सारा ओवरव्यू जो यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद चलिए क्लास स्क्वाड कप टूर्नामेंट को हम ओपन करते हैं। तो क्लास स्क्वाड कप टूर्नामेंट को ओपन करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पर लिखा है ऑल प्राइस, तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख पर क्लास स्क्वाड कप टूर्नामेंट में आपको जो सारा रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो रिवॉर्ड गाइस आपको कैसे मिलेगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए इसको बैक करते हैं। तो क्लास स्क्वाड कप टूर्नामेंट को ओपन करने में पहले आपको आपका स्क्वाड को जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख पर लिखा गया क्रिएट स्क्वाड, तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो स्क्वाड में जाने के बाद यहाँ पर देख पर गए अभी दो ऑप्शन आ रहा है, एक है क्रिएट और दूसरा है ज्वाइन। तो ज्वाइन के ऊपर क्लिक करके आप लोग जो किसी भी दूसरे स्क्वाड को जो ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप खुद का एक स्क्वाड बनाना चाहते हो तो यहाँ पर देख पर लिखा गया क्रिएट, तो आपको क्रिएट के ऊपर जो क्लिक करना है। तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करने में देख पर पहला ऑप्शन आ रहा है एंटर टीम नेम, तो पहले आपको यहाँ पर टीम नेम देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईनी किंग 97, तो चलिए इसको ओके करते हैं। और उसके बाद देख पर सेकंड में अभी रीजन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको रीजन डालना है। तो कहीं मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया को चूज करता हूँ। उसके बाद देख पर लिखा रहा है अवतार और बैनर, तो यहाँ पर आप अवतार और बैनर को भी चेंज कर सकते हो। तो इस सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पर देख पर नीचे लिखा रहा है कन्फर्म, तो उसके बाद आपको कन्फर्म करना है। तो टीम क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देख पर अभी आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आ रहा है, एक है नोटिफिकेशन और दूसरा है रिक्रूट। तो यहां पर आप लोग रिक्रूट करके किसी भी टीममेट को जो है इनविटेशन भेज सकते हो, और गाइस कोई भी प्लेयर आपके टीम में आना चाहता है तो गाइस वो आपको एप्लीकेशन भेजेगा, उसको भी आपको जो टिक करना है, उसके बाद वो आपके टीम में आ जाएगा। तो क्लास स्क्वाड कप टूर्नामेंट में आपके स्क्वाड में सिर्फ जो चार बंदे ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो सक्सेसफुली स्क्वाड क्रिएट करने बाद आपको क्लिक करना है स्केड्यूल के ऊपर। तो स्केड्यूल में क्लिक करने बाद गाइस हम देख पर हमारा क्लास स्क्वाड कप का फॉर्मेट है। तो यहां पर गाइस रैंडमली आपके साथ आठ प्लेयर ही क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, और क्वार्टर फाइनल में जो चार टीम जीतेगा तो गाइस वो जाएगा सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में जो दो टीम विन करेगा तो गाइस वो जाएगा फाइनल में, और फाइनल में गाइस जो टीम विन करेगा तो गाइस वो होगा चैंपियन। लेकिन मेरा स्क्वाड गाइस हम देख पर अभी पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, क्यों गाइस हम देख पर मेरा स्क्वाड में अभी चार प्लेयर जो ऐड नहीं हुआ है, इसलिए गाइस हम देख पर अभी पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो क्वार्टर फाइनल में गाइस आपके साथ रैंडमली जो आठ टीम खेलेंगे, तो वो कौन सा टीम गाइस आपके साथ खेलेगा तो गाइस अभी के लिए कंफर्म नहीं है, ये गाइस आपको आगे पता चल जाएगा। और उसके बाद भी चलिए आपको कैसे रिवॉर्ड मिलेगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर गाइस आपका टीम क्वार्टर फाइनल में हार जाता है तो गाइस आपको नीचे का रिवॉर्ड सारा मिलेगा, और अगर गाइस आपका टीम सेमीफाइनल में हार जाता है तो गाइस उसको ऊपर का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और अगर गाइस आपका टीम फाइनल में हार जाता है तो गाइस उसको ऊपर जो रिवॉर्ड है वो आपकी टीम को मिलेगा, और अगर गाइस आपका टीम चैंपियन होता है तो गाइस ऊपर का सारा रिवॉर्ड जो है आपकी टीम के हर प्लेयर को जो मिलेगा। तो ये था गाइस हमारा क्लास स्क्वाड कप का सारा नॉर्मल रिवॉर्ड, तो आपकी पोजिशन के हिसाब से जो है आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर गाइस आप लोग क्लास स्क्वाड कप में ये क्लास स्क्वाड कप अपग्रेड भाव जो का यूज करते हो, तो यहाँ पर आपको पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर आपको अपग्रेड रिवॉर्ड जो मिलने वाला है। तो अपग्रेड रिवॉर्ड्स में चैंपियन होने पर गाइस आपको मिलने वाला है कॉस्ट्यूम रूम कार्ड, उसके बाद देख पा रहे आपको ये वाला इमोट भी थर्ड डेज के लिए मिलने वाला है गाइस, हम देख पा रहे बहुत ओपी वाला इमोट है। तो ये इमोट आप सभी को परमानेंट नहीं मिलेगा गाइस, ये इमोट आपको थर्ड डेज के लिए ही मिलेगा। और बात करते हैं इसका मैच डे की, तो गाइस हम देख पा लिखा गया मैच पीरियड सैटरडे, मतलब गाइस शनिवार को 7 से 10 बजे तक इसका जो मैच होने वाला है। तो आप लोग है जल्द से जाकर क्लास स्क्वाड कप में आपका स्क्वाड को जो रजिस्ट्रेशन कर लो, और ये क्लास स्क्वाड कप में आपके पोजीशन के हिसाब से जो है आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और ये क्लास स्क्वाड कप अपग्रेड वाउचर आपको 28 अगस्त को ये आने वाले रेड टोकन के एक्सचेंज में जो है आपको मिलेगा। तो ये था गाइस हमारा क्लास स्क्वाड कप का सारा इन्फॉर्मेशन, तो सारा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे दिया हूँ। तो ये वीडियो गाइस हमारा यहीं तक था, वीडियो को कैसा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना,
और गए चैनल में पहली बार आता चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।